जब तक रिजर्वेशन आरक्षण रहेगा देश का भला नहीं हो सकता। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड डोंट मिस अनदर अपडेट। हमेशा ये बातें उठती हैं कि रिजर्वेशन की वजह से जनरल लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है, इसे इकोनॉमिक बेसिस पे कर देना चाहिए, कास्ट बेसिस से हटा के मेरिट वाले पीछे रह जाते हैं। तो क्या सचमुच रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए? आप ये टैलेंट नहीं देख रहे, यू आर नॉट सीइंग द स्किल इन अ पर्सन। व्हाट यू सीइंग, इस साला इसका कास्ट क्या, इसका एससी है। हमें रिजर्वेशन इसलिए मिलना जरूरी है कि सदियों से हमारे साथ छुआछूत हुई है। पर आपके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हुआ होगा ना कि आपके हाथ से किसी ने पानी नहीं पिया होगा या आपको डिस्क्रिमिनेट किया होगा किसी और? इसलिए क्योंकि देयर इज अ रीजन, आई एम अ ठाकुर। कुछ लोगों का एक बिलीव होता है, अगर आप देखोगे कि अगर एक झाड़ू वाला अगर आपको आके पानी देगा आप पियोगे? मेरा क्या है, अगर मुझे कोई देगा आई वोंट टेक दैट। यही भेदभाव, यही भावना हमारे देश को इतना पीछे ले जाती है। अगर भेदभाव है तो फिर आरक्षण मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आज भी समाज में छुआछूत है? बिल्कुल नहीं, 0%। सब कह रहा है 2019 में छुआछूत खत्म हो गया। जिसके साथ खत्म हो गया होगा, जिसके साथ नहीं होगा तो कहवे करेगा। जब किसी ब्राह्मण क्षत्रिय का हम सामान लेते हैं तो जो है कि वो पैसा जमीन पर रखवा पर उस पर पानी गिराते हैं कि ये शुद्ध हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि सिक्का पर पानी गिराते हो मगर नोट पर क्यों नहीं गिराते? अच्छा सवाल है आपका। वो काम से बचना चाहते हैं। तो जो लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं वो काम नहीं करना चाहते एक्चुअली? यस यस यस, बिल्कुल भी नहीं। वो उस सोसाइटी में नहीं जाना चाहते ना जहाँ वर्क करना पड़े। काम कभी उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने तो मंदिर में घंटा बजाया, हमारे को बेवकूफ बनाया है। उन लोगों को क्या पता बराबरी करने का, मेहनत करने का। मेहनत तो हमारे लोगों को पूछो ना, जो कहते हैं ना इनके पसीने से बदबू आती है। एक दिन गड्ढर में उतर के देखिए ब्राह्मण का बेटा जो पुजारी पूजा मंदिर में घंटा बजाता है। पंडित कहते हैं कि इस देश में केवल शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार पंडितों को है। जो ज्ञान है वो आपने बताया वो ब्राह्मणों का ही है। ब्राह्मणों का ज्ञान अर्जन धर्म है, ज्ञान पे ब्राह्मणों का ही हक है। और जो है शूद्रों को सेवा करना, ऐसे बताया। तो मतलब जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। अरे बेवकूफ इंसान, 3-5% तुम्हारी आबादी है। अगर मैं शिक्षा तुम ही प्राप्त करोगे तो इस देश की साक्षरता केवल 5% हुई ना, हमारा देश कहाँ जाएगा। ऐसे ऐसे दिखाऊंगा आपको SC ST वाले, दोज़ हू हैव कार, वो कार से आते हैं जाते हैं। SC लोग जो बोलते हैं हम लोग को गरीब, वो एक्चुअली में अगर उनको देखा जाए ना, वो फाइनेंशियल हालत उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। नहीं, फाइनेंशियल हालत अगर स्ट्रॉन्ग भी हो गई किसी की तो क्या डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ होता है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? राष्ट्रपति के साथ हुआ है। रामनाथ कोविंद जी गए, सीढ़ियों पर बैठा के पूजा करवाई उनके साथ। लोग कह रहे थे उनकी वाइफ के पैर में दर्द था इसीलिए ऊपर नहीं चढ़ पाए। देखो साहब, ऐसा है, अपनी खाल बचाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, आपको भी पता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे वो एक मंदिर में गए, उस मंदिर को भी उन्होंने धोया, वो भी दलित हैं। झगड़े होते हैं तो हिंदू बना दिया जाता है, नहीं तो मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि आज भी लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, घोड़ी पे बारात नहीं जा सकती उनकी। इन छोटी मोटी घटनाओं को जो भी व्यक्ति प्रमुखता देते हैं उनका निश्चित तौर पर वो भारत विरोधी लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े। कोई लोग रिजर्वेशन का पक्ष ले रहे हैं वो लोग भारत विरोधी लोग हैं। बिल्कुल, पंडित बोलते हैं कि इनको मंदिर में नहीं घुसने दो चमारों को। तो फिर आपने कभी ट्राई किया मंदिर जाने का? हम तो जाना ही छोड़ दिया हमने तो। जब बाहर निकाल देते हैं तो फिर कहाँ जाए बताओ। क्या बोलते हैं आपको? यह बोलते हैं चमारों का मंदिर नहीं है, चमारों को नहीं घुसने देंगे। हर गांव में एक शंकर जी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, काली जी का मंदिर है, जंगल पहाड़ पर है। एक हमारा भभुआ कैमूर जिला में विजय शंकर फकीर का मंदिर हम कई वर्ष से बनाते हैं लेकिन नहीं बनने देता है, जो चमार था वो। ब्राह्मण हर चीज को तथ्य के आधार पर ही बोलता है। शहर में देखिए छुआछूत टोटल समाप्त है। शहर में तो हम वो छुआछूत किया है, हम लोग आदि हो गए हैं जो बगैर कहे हम लोगों के साथ की जाती है। किसी को हम बताते हैं कि हम वाल्मीकि हैं तो लोग हमसे बात करने का तरीका बदल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है आज के टाइम में, क्योंकि मैं न्यूज़ भी देखता हूँ, ऐसा माहौल नहीं है। न्यूज़ में तो सब अब सही हो गया है। एक ब्राह्मण के यहाँ मैं काम करने जाता हूँ, मैंने कहा पानी पीना है, लगे मेरे को पानी की प्यास नहीं थी लेकिन उसकी घरवाली पानी लेके आती है गिलास के अंदर, वो टूटी का पानी था। मैं कहा जानवर भी ऐसा पानी नहीं पीते। पंडित जी, आप इंसानों के साथ ये काम करते हो, आप ये तो दिल्ली NCR की बातें हैं। आरक्षण उनको दीजिए जो सक्षम नहीं है, जो आर्थिक दृष्टि से गरीब है। ये कोई गरीबी उत्थान का कार्यक्रम नहीं है। जिन लोगों का सरकार और सरकार के रुतबेदार पोजीशन पर रिप्रेजेंटेशन इनएडिक्वेट है, उन लोगों को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आरक्षण आया है। ये 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी के भारत का निर्माण करना है आज। तो सर, इस 21वीं सदी में छुआछूत होती है? नहीं, ये छुआछूत मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं होती है। हाथ छिप गया तो दंगा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। मतलब आपका हाथ किसी और में टच हो गया तो दंगा हो जाएगा। टच हो गया तो मारने पीटने के लिए लोग भाग आ गए। आरक्षण
अब हटना चाहिए। जातिवाद खत्म कर दीजिए, आरक्षण खत्म करिए। जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, दबे हुए समाज को उसका रिप्रेजेंटेशन अश्योर करने के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। तो बजाय इसके कि हम ये बात करें कि रिजर्वेशन कब हटेगा, हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि सोसाइटी से हम इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे जल्द से जल्द हटाएं। दिस इज शहबाज अंसार रिपोर्टिंग फॉर द प्रिंट।